नरकटियागंज के एक जूते और चप्पल के गोदाम में आग लग गई। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से अमित कुमार वर्णवाल की यह रिपोर्ट। नरकटियागंज नगर के वार्ड नंबर 15 के विपिन बिहारी मार्ग स्थित एक जूते और चप्पल के गोदाम में आग लग गई। आग लगने के कारण लाखों की संपत्ति आग में जलकर राख हो गई। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के कुछ समय तक बहुत ही अफड़ा तफड़ी मच गई। और कल दिनांक 1/10/2020 को करीब 21 बजे हमें सूचना मिला आग लगने का। और जैसे ही सूचना मिला घटनास्थल पे हम लोग गाड़ी लेके आ गए और देखे तो यहाँ बहुत भयंकर आग जो है धधक रही थी। सर लगभग 2 से 2.5 घंटा तक आग लगी हुई थी। 3 घंटा हम लोग को जी 4 घंटा लग गया इस आग को बुझाने में, आग पे काबू पाने में। चार घंटा में हम लोग सर सूचना मिलने के मैंने कितने समय के बाद आप यहाँ पर हमको लगता है 5 मिनट में हम लोग यहाँ गाड़ी आ गए। 5 मिनट में अपनी गाड़ी आ गई। अच्छा इस मैंने जली हुई दुकान के मैंने क्या इसकी पुष्टि कीजिए, कैसे पुष्टि कीजिए, कैसे आग लगी हुई है? ये आग जो है ना शॉर्ट सर्किट द्वारा लगा गया। बिजली की शॉर्ट सर्किट से इस गोदाम में आग लगी है। आग पर सर कितने देर में काबू पा लिया गया? आग 2.5-3 घंटा तक काबू पा लिया गया जी। लेकिन पूर्ण रूप से हम लोग यहाँ कंटिन्यू 4 घंटा तक आग को बुझाए। सर अभी कितनी दमकल आई हुई थी यहाँ पे? यहाँ पे 4 गाड़ी आई जी, 2 छोटी 2 बड़ी यूनिट। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है, अभी संभालो नरकटियागंज। धन्यवाद सर।